गोमती और फरक्का एक्सप्रेस की मनाई गई वर्षगांठ। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर स्टेशन अधीक्षक ने चलाया जागरूकता अभियान। ट्रेनों में यात्रा कर रहे यात्रियों से स्टेशन पर गंदगी न फैलाने की अपील की। इटावा के भरतना स्टेशन पर ध्वजारोहण के बाद गोमती एक्सप्रेस फरक्का एक्सप्रेस के ठहराव का एक वर्ष पूर्ण होने पर रेलवे ग्रुप ने रेलवे अधिकारियों के साथ केक काटकर वर्षगांठ मनाया। साथ ही अखिल भारतीय ग्राहक पंचायत द्वारा रेल मंत्री को संबोधित ज्ञापन स्टेशन अधीक्षक मनोज कुमार को सौंपा गया, जिसमें मांग की गई कि जो भी पुरानी ट्रेनें मूरी मानंदा लिंक और संगम एक्सप्रेस का ठहराव बंद किया गया था, उनका ठहराव स्टेशन पर पुनः किया जाए, जिससे यात्रियों को यात्रा करने में असुविधा ना हो। आज स्वतंत्रता दिवस है और सभी को स्वतंत्रता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं रेलवे ग्रुप भरतना की ओर से। आज हम सभी लोग रेलवे स्टेशन पर आए, ध्वजारोहण रेलवे स्टाफ के साथ किया, एसएस साहब के साथ किया, उसके बाद गोमती और फरक्का एक्सप्रेस की वर्षगांठ हम लोगों ने मनाई। 3 अगस्त से 2023 से रुकनी शुरू हुई थी और ये 2024 3 अगस्त को एक साल पूरी हो गई, जिसके उपलक्ष्य में हम लोगों ने यहाँ पर केक काटा और इसकी सभी को शुभकामनाएं दी। तदुपरांत सभी ने वंदे मातरम भारत माता की जय के नारे लगाए और हम लोगों ने एक नया ज्ञापन दिया है। ज्ञापन अखिल भारतीय ग्राम पंचायत की ओर से दिया गया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि जो भरतना में पुरानी ट्रेनें जो बंद हुई हैं मुरी मानंदा लिंक और संगम, उन्हीं को दोबारा ठहराव करने की कृपा करें। और हम भी रेल मंत्री से रेलवे ग्रुप ये मांग करता है कि जो भरतना में ये चारों ट्रेनें जो कोरोना काल से पहले रुकती थी जो बंद हो गई हैं, इन सभी को पुनः ठहराव करने की कृपा करें। पापा बोले तो पहले Yeah।